हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं हूँ अभी उदयपुर में और अभी मैं घूम रही हूँ यहाँ उदयपुर के स्ट्रीट फूड के लिए जो फेमस मार्केट है, ये बॉम्बे चौपाटी कुछ है जो कि फतेह सागर लेक के पास है। तो लोकल से पूछ करके और जहाँ जिस एयरबीएनबी में मैं रुकी हुई हूँ वहाँ से पूछ करके अभी मैं आई हुई हूँ फतेह सागर लेक। मॉर्निंग में जब मैं आई थी तो यहाँ पे उतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन अभी ये जो मार्केट है बहुत अच्छे से लगा हुआ है। पूरा मतलब यहाँ से लेके 1 किलोमीटर के रेंज तक पूरे चौपाटी बने हुए हैं और पीछे आप देख सकते हो फतेह सागर लेक, जो कि बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ही कमाल का कॉम्बिनेशन बिल्कुल मरीन ड्राइव की तरह दिख रहा है। चलो चलते हैं और यहाँ का जो बॉम्बे चौपाटी है इसको एक्सप्लोर करते हैं। और मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि अगर आप उदयपुर आए हो तो आप भी यहाँ का जो ये है स्ट्रीट फूड है आप उसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो चलो हम चलते हैं और बॉम्बे चौपाटी जो है उसको एक्सप्लोर करते हैं। Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby, I will always stay with you. So put your trust in me. We'll work it out, you'll see. If we get in a drive someplace far, yeah, we could go for a ride. The two of us, we don't have to stop. Baby, let's go for a ride. Friends, अभी पीछे मैंने देखा बहुत सारे ठेले पे अलग अलग चीज़ों का, मतलब ये था जिसे बॉम्बे चौपाटी बोलते हैं। थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ गई हूँ तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा रेस्टोरेंट जैसा बना हुआ है और पूरे 1 किलोमीटर तक आई थिंक ये यहाँ से लेके देखो आप बहुत आगे तक ना, मतलब हर चीज़ का है। आप नॉर्थ इंडियन फूड से लेकर के साउथ इंडियन पिज़्ज़ा बर्गर हर चीज़ का शॉप है। ये देखो ये यहाँ पे है। तो चलो चलते हैं, थोड़ा उसे भी देखते हैं। Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. And just opposite है ये फतेह सागर के और बहुत 50-80 आउटलेट होंगे और बहुत सारे वो जो ठेला होते हैं वो भी हैं। और ये देखो कितने, और रश बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ का है यहाँ पे शॉप। और कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी, मोमोज, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाट, डोसा, चाउमीन, जो चाहिए आपको सब कुछ मिलेगा। बहुत बड़ा है ये बॉम्बे चौपाटी। तो ये देखो, और अब यहाँ से मैं जा रही हूँ एक दूसरे जगह, वहाँ चल के फिर मैं आपको बताती हूँ। Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Baby. Hey friends, Bombay Chow Party जो कि फतेह सागर लेक के पास था, वहां से होते हुए ज्यादा देर मैं वहां नहीं रुकी, वहां से अब मैं आ गई हूँ सुखाड़िया सर्कल उदयपुर का। ये एक चौपाटी है। सबसे पहले तो मैं आपको इस तरफ लेके आई हूँ जहाँ पे पूरे लाइन से पूरे ठेले लगे हुए हैं। रगड़ा पेटिस का है और पुलाव का है, पाव भाजी का है, चाट, दही पूरी, पाव भाजी, डोसा, इडली, कौन सा फूड का है जो यहाँ स्टॉल नहीं लगा हुआ। ये देखो मैं एकदम क्लोज करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, फालूदा वगैरह, आइसक्रीम का, दही पूरी, भेल, टिकिया, क्या क्या नहीं यार, मैं भूल भी नहीं पा रही हूँ। बहुत सारे, मतलब पूरे लाइन से, ये देखो पूरे लाइन से लगे हुए हैं यहाँ पे शॉप। तो अगर आपको भी जैसे पसंद है मतलब स्ट्रीट फूड के आप भी शौकीन हो तो आप इस जगह, अगर आप उदयपुर आए हो फ्रेंड्स के साथ आए हो, मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ, तो आप यहाँ पर आ सकते हो और आप ये जो सुखाड़िया सर्कल का ये जो पूरा स्ट्रीट फूड है
इसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो और बहुत रिजनेबल रेट है, बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं है ये जगह। थोड़ा सा फ्रेंड्स मैं और आगे आ गई हूँ, तो ये देखो ये छोटू भाई चाट वाला, और ये देखो जेंट्री यहाँ की देखो और भीड़ देखो। तो आज का तो डिनर मैं यहीं करने वाली हूँ, तो चलो थोड़ा आगे और चलते हैं। ये सामने आप देख रहे हो, यहाँ जा कर के मैं अभी डिनर करने वाली हूँ और आप लोगों को भी बताती हूँ कि यहाँ का फूड कैसा है और प्राइस वगैरह कैसा है। तो चलो चलते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो मैं अभी आ गई हूँ सुखड़िया सर्कल करके एक जगह है जो कि अपने स्ट्रीट फूड के लिए फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग आउटलेट बने हुए हैं, प्लस लाइन से यहाँ पे एक फूड जॉइंट जैसा बना हुआ है। तो अभी मैं आ गई हूँ यहाँ सुखड़िया सर्कल, और चलो मैं आप लोगों को भी बताती हूँ कि अगर आप आए हुए हो, उदयपुर आए हुए हो, तो यहाँ का आप फूड ट्राई कर सकते हो। अभी यहाँ पे मैंने एक मसाला डोसा और एक आलू टिक्की चाट ऑर्डर किया है, तो चलो मैं बताती हूँ आप लोगों को भी कि यहाँ का टेस्ट कैसा है। फ्रेंड्स मैं जहाँ रुकी हूँ भोले चाट साउथ इंडियन, तो ये देखो उनका ये मेनू है, ये इस तरह मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, बहुत ही रिजनेबल रेट है यहाँ पे। फ्रेंड्स ये देखो ये 70 रुपीज़ का 2 पीस इडली सांभर और चटनी है, और एक और चीज़ ऑर्डर किया है, ये 90 रुपीज़ का डोसा है, मसाला और चटनी है। तो चलो फटाफट इसे टेस्ट करते हैं और आप लोगों को भी बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. फाइनल में लास्ट में हमने ये एक ऑर्डर किया है सोया चॉप, जो कि मेरा बेटा खाने वाला है, ये देखो। और इसका जो प्राइस है वो 120 रुपीज़ का है। यार सारे जो फूड है बहुत ही रिजनेबल रेट पे है। थोड़ा सा मैं इसे टेस्ट करके बताती हूँ कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत गर्म है, रुको 2 मिनट। इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा है। हे फ्रेंड्स फाइनली हमने सुखड़िया सर्कल के फूड को ट्राई किया। यहाँ का फूड बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा प्राइसी नहीं था, अफोर्डेबल प्राइस थे, फूड भी टेस्टी था। तो अगर आप उदयपुर आते हो तो डेफिनेटली आप सुखड़िया सर्कल को विज़िट कर सकते हो। अगर आप राजस्थान के ट्रेडिशनल ऑथेंटिक फूड खाना चाहते हो तो मसाला चौक जा सकते हो, वहाँ ये बिल्कुल ही सिटी पैलेस के पास ही है और ये बहुत ज़्यादा प्राइसी नहीं है, ना बहुत ज़्यादा महंगा है, ना बहुत ज़्यादा सस्ता है। लेकिन यहाँ पे राजस्थान के मतलब ट्रेडिशनल जो फूड है वो बहुत टेस्टी मिलते हैं। तो यहाँ का इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, यहाँ आकर के आप दाल बाटी चूरमा ट्राई करना, गट्टे की सब्ज़ी खा सकते हो यहाँ पर आकर के, सेव टमाटर और जो भी राजस्थान के जो फेमस फूड होते हैं वो आप ट्राई करना। और फूड यहाँ का बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल मतलब प्राइस है यहाँ का। सो फ्रेंड्स फाइनली उदयपुर की जो मेरी ट्रिप है बहुत ही अच्छी रही। और दोस्तों मेरा ये ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा प्लीज़ चैनल को लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो फिर से मैं मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखना।